आज हम ब्राउन पेपर पर किमोनो ड्रेस की ड्राफ्टिंग एवं कटिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है: फुल लेंथ 40 इंच, एक्रॉस बैक 14 इंच, बस्ट 36 इंच, वेस्ट 32 इंच, हिप 40 इंच, स्लीव लेंथ 5 इंच और बॉटम 10 इंच। इसी नाप के अनुसार हम ब्राउन पेपर पर ड्राफ्टिंग एवं कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ब्राउन पेपर लेंगे। ब्राउन पेपर पर हमें इसकी ड्राफ्टिंग एवं कटिंग करनी है। ब्राउन पेपर पर ड्राफ्टिंग एवं कटिंग या पैटर्न बनाते समय एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि खुरदरी साइड पर ही हमें ड्राफ्टिंग करनी है। एक तरफ चिकनी साइड होती है, ये हमारी चिकनी साइड है और ये वाली खुरदरी साइड है। खुरदरी साइड पर ही हम निशान लगाएंगे किसी भी गारमेंट का या कोई भी हम ड्रॉ कर रहे हैं ड्राफ्ट या पैटर्न बनाने के लिए, तो हमें खुरदरी साइड पर ही करना है। ये हमने फ्रंट और बैक के लिए दो पेपर लिए हैं और इनको इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले लंबाई का निशान लेंगे। लंबाई हमारी 40 इंच तैयार है। 40 इंच में आधा इंच सीम अलाउंस के लिए चाहिए और 1.5 इंच हम टर्निंग के लिए रखेंगे। टोटल हमारा 42 इंच हुआ। 42 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। 42 इंच पर ही यहाँ पर इसको इस प्रकार से निशान लगा के स्केल की सहायता से सीधा मिलाएंगे। ये ब्राउन पेपर की जो विड्थ है हमारी इतनी ही थी, तो हमने इसको इस प्रकार से टर्न किया है। अगर आप कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं और विड्थ ज्यादा है, तो हम अपने विड्थ के अकॉर्डिंग ही कपड़े को मोड़ करके कटिंग करेंगे। उसके बाद तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 14 इंच था, 14 का हाफ किया 7 इंच। 7 इंच दो पॉइंट पर यहाँ पर आप निशान लगाएंगे। 7 इंच दो पॉइंट, 7.25 पर यहाँ पर निशान लगाना है, क्योंकि 14 हमें तैयार करना है, इसलिए हमें दो पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है। आर्म होल के लिए आधा इंच इसमें ऐड करेंगे। 7.5 इंच पर ऊपर से निशान लगाएंगे, इसको सीधा मिला देंगे इस प्रकार से। ये आर्म होल की रेखा है, इस प्रकार से सीधा मिलाना है। ये तीरा है और ये आर्म होल है। बस्ट हमारी 36 इंच है। 36 को 4 से डिवाइड करना है। 9 इंच प्लस 2 किया 11 इंच। 11 इंच पर यहां पर निशान लगाएंगे। 11 इंच पर निशान लगाकर इसको सीधा मिलाएंगे आर्म होल की रेखा से, इस प्रकार ज्वाइन करेंगे। इसके बाद नेचुरल वेस्ट का हम नाप लेंगे। नेचुरल वेस्ट हमारी होती है 14 इंच पर। यहां से तीरे से नीचे जाना है हमने, 14.5 इंच पर हम नीचे जाएंगे और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस प्रकार। ये तीरे से ही डाउन आना है। 14.5 इंच पर हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 32 इंच है। 32 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 इंच प्लस 2 करेंगे 10 इंच। 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। आर्म होल से हिप के निशान के लिए डाउन आएंगे। जितना भी आप यहाँ पर सिलाई लगाना चाहते हैं या नीचे से स्लिट को छोड़कर लगाना चाहते हैं, तो उस पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। तीरे से नीचे जाएंगे हम 22 इंच पर। तीरे से नीचे निशान लगाया 22 इंच पर। 22 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर हिप का मेजर करेंगे। हिप है हमारी 40 इंच।
40 इंच को 4 से डिवाइड किया 10 प्लस 1.5 डेढ़ इंच हम इसमें ऐड करेंगे, 11.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। इसके बाद विड्थ का निशान लगाएंगे। विड्थ हमने यहाँ पर हिप के अकॉर्डिंग लेने हैं या फिर जितनी भी आप विड्थ रखना चाहे उतनी ले सकते हैं। ए शेप विड्थ देनी है तो ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ हिप हमने 11.5 इंच पर निशान लगाया है तो हम यहाँ पर विड्थ का निशान 12.5 इंच पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ये 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इन सभी निशानों को अब हम यहाँ शेप देते हुए मिला देंगे। इस प्रकार से आप लेग शेपर की सहायता से या फिर फ्री हैंड भी हम यहाँ पर इन निशानों को मिला सकते हैं। ये बस्ट के निशान को वेस्ट के निशान से और वेस्ट के निशान को हिप के निशान से मिलाना है। इनको मिलाने के बाद जो हमारे विड्थ का निशान है उसको एल स्केल की सहायता से सीधा इस प्रकार मिला देंगे। ये सारे निशान हमारे लग चुके हैं। इसके बाद हम स्लीव की लेंथ का निशान लगाएंगे। स्लीव की लेंथ का निशान लगाने के लिए स्लीव हमारी इसी में बनेगी, आर्म होल की कोई शेप नहीं होगी इसमें। ये जो हमने रेखा खींची है आर्म होल की, ये आपको समझाने के लिए खींची है। यहाँ पर इसमें हमें अलग से स्लीव नहीं कट करनी होती है किमोनो ड्रेस में। स्लीव लेंथ हमारी 5 इंच तैयार है। 1.5 या 2 इंच टर्निंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लेंथ लेंगे। यहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगाया स्लीव का, 1/2 इंच यहाँ पे टर्निंग के लिए और 1.5 इंच जो हम फट्टी मोड़ेंगे उसके लिए हम यहाँ पर रख सकते हैं। 1.5 इंच से 2 इंच तक टर्निंग का रख सकते हैं। बॉटम है हमारी 10 इंच, 5 इंच उसका हाफ हुआ और 1.5 इंच प्लस किया, 6.5 इंच पर निशान लगाना है। 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद ये जो बस्ट निशान है इससे 1.5 इंच नीचे आना है। 1.5 इंच नीचे आकर के यहाँ पर एक निशान लगाना है और ये जो हमारी बाजू की स्लीव की जो मोरी है उसको इस प्रकार से हल्की सी सेव देते हुए अपनी बस्ट लाइन से मिला देना है। ऐसे सेव देनी है इसकी। ये सेव देने के बाद ये जो हमारा तीरा है इससे नीचे आएंगे हम, यहाँ पर 1/2 इंच से 1/4 इंच निशान लगाएंगे। हमने यहाँ 1/4 इंच पर निशान लगाया। तीरे को डाउन नहीं करना है, स्लीव की बॉटम पर ही हम यहाँ 1/4 इंच पर निशान लगा करके और जो हमारी लेंथ लाइन है सेंटर पर इस प्रकार से हम इसको सीधा मिला देंगे। जो हमारी नेक विड्थ है बिल्कुल यहीं से इस प्रकार मिलाएंगे इसको। तीरा अपने आप ही डाउन हो चुका है यहाँ पर, जो तीरे की लाइन है वहां पर। इसके बाद ये जो बॉटम लाइन है हमारी 1/2 इंच अंदर आना है इसको, इस यहाँ पर 1/2 इंच अंदर आकर निशान लगाना है और इसको तिरछा 1/2 इंच करके मिला देंगे। ये हम यहाँ पर ये रेखा खींचेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ आकर। इसके बाद नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ हम यहाँ पर 2.5 इंच, 3 इंच, जितना हम डीप रखना चाहते हैं उतने पर हम निशान लगा सकते हैं। यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पर ही यहाँ पर निशान लगाएंगे। लेंथ 6 इंच अगर तैयार करनी है, 6.5 इंच लेना है, 6.5 तैयार करना है तो 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। तिरछा इंच टेप को रखकर 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद किसी भी प्रकार की आप शेप कर सकते हैं। ये सीधा मिला करके कोई भी आप शेप दीजिए, गोल देनी है, कोई डिजाइन बनाना है, कैसी भी आप शेप करना चाहे कर सकते हैं। ये हमारे फ्रंट नेक की शेप हो रही है। बैक नेक आप डीप रखना चाहते हैं तो डीप के अनुसार लेंथ रखिए, और इक्वल रखना है तो इक्वल यही रहेगा, कम बनाना है तो नीचे आपने 4 इंच का तैयार करना है, 3 का करना है, 4 का करना है तो 4.5 इंच पर नीचे लंबाई का निशान लगाएंगे और विड्थ
जितनी हमने फ्रंट में रखी है उतनी ही हम विड्थ रखेंगे। ये हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाया और इसकी इस प्रकार से हल्की गोलाई करके शेप कर दी है। ये बैक की लेंथ है जो बैक नेक बनेगा। ये हमारे सभी निशान लग चुके हैं। ये हमारी वेस्ट डिवाइड बाय 4+2 10 इंच पर हमने यहाँ पर ये निशान लगाए थे कमर का। हिप डिवाइड बाय 4+1.5 इंच 40 को 4 से डिवाइड किया 10 इंच 1.5 इंच 11.5 इंच पर हमने हिप लाइन का निशान लगाया था। ये यहाँ पर मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो, याद रहे और समझ में अच्छे से आ जाए। विड्थ हमने यहाँ पर हिप में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। विड्थ को आप जितनी भी रखना चाहे, कम ज्यादा या हिप के इक्वल। 11.5 हमने हिप लिया तो 11.5 भी हम रख सकते थे। हमने यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लिए, 12.5 पर हमने विड्थ का निशान लगाया। स्लीव लेंथ हमारी 5 इंच तैयार होगी। हमने यहाँ पर 1.5 इंच से 2 इंच तक एक्स्ट्रा रखा होता है। बॉटम 10 इंच है तो 5 इंच पर हम यहाँ पर तैयार करेंगे। 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है दबाव और सीम अलाउंस के लिए। यहाँ पर मैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको कटिंग करके बता रही हूँ जिस प्रकार से आप कपड़े पर बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा तीरा था 7 इंच यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे किमोनो ड्रेस के सभी निशान लग चुके हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे इसमें फ्रंट और बैक दोनों ही मैंने जो है पीस रखे हुए हैं, दोनों की ही कटिंग इसकी एक साथ हो जाएगी। सिर्फ इसमें नेक कट करते वक्त ही ध्यान देना है, बाकी सभी बैक और फ्रंट के निशान इक्वल है। दोनों पीसों को अच्छे से मिला करके सेट करके ही कटिंग करनी है। अगर आप डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप ऑल पिन की सहायता से यहाँ पर इनको पिन अप करने के बाद ही कट करें ताकि आपके पार्ट आगे पीछे या कम ज्यादा ना कटें। यहाँ से ये जो हमने तिरछा डाउन किया था इस लाइन को काटेंगे। दोनों ही पीसों की बैक और फ्रंट की हम ये कटिंग कर रहे हैं यहाँ से। ये हमारा जो मैं कट कर रही हूँ ये बैक पीस का नेक कट हो रहा है। यहाँ पर आप जो है बैक पीस मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक को कैसे काटना है, अलग अलग करके भी काट सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ विड्थ को कट कर लेते हैं। ये ड्रेस बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। किसी भी कपड़े पर आप कॉटन पे, जॉर्जेट पे, साटन पे, किसी भी मटेरियल पे आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट मैंने बताया है इसी फॉर्मेट के अनुसार हम किसी भी नाप का 0 से लेकर और लास्ट 40-50 कोई भी किसी भी मेजरमेंट का आप यहाँ पर आप नाप लेकर कटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट सभी का यही होगा। ये नहीं है कि भाई 5 साल के बच्चे का अगर हमने किमोनो ड्रेस बनानी है तो क्या कैसे बनाएं। आप इसी फॉर्मेट का यूज कीजिए, नाप लेने के बाद आपकी परफेक्ट किमोनो ड्रेस तैयार होगी। मैं फॉर्मेट के साथ इसीलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। आप किसी भी नाप का इस फॉर्मेट के अनुसार अपना कोई भी गारमेंट तैयार कर सकते हैं।
ये यहां से इक्वल पकड़ करके इसकी कटिंग करनी है। मैं बिल्कुल धीरे कट इसलिए करके दिखा रही हूं ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। ये जो हमने थोड़ा तिरछा आधा इंच का किया था ये सेव करेंगे। ये सेव करने के बाद हम यहां पर अपने नेक की कटिंग करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, नेक की कटिंग आप स्टिच करते वक्त पहले नेक को बनाकर भी कट कर सकते हैं और पहले कटिंग करने के बाद भी नेक को बनाया जा सकता है। सबसे पहले जो इजी तरीका होता है कि ये हमने जो कटिंग कर ली है इतनी ही कीजिए, स्टिच करते वक्त पहले नेक को बनाइए और फिर कटिंग कीजिए। ये हम जो कट कर रहे हैं ये हमारा बैक नेक है। बैक नेक सिर्फ बैक में ही कीजिए, मैंने दोनों कट किए हैं, आपको दोनों नहीं कट करने हैं, सिर्फ एक ही पार्ट को बैक को कट करना है। और ये जो अब कटिंग हो रही है ये फ्रंट नेक की हो रही है, ये हमारी फ्रंट नेक की कटिंग है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ कटकर और ये बैक पार्ट भी कटकर कंप्लीट हुआ। अभी मैं इनको आपको खोल के सेट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा आपको खुलने के बाद। ये हमारी फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। मैंने सिर्फ ये जो नेक की कटिंग की है आपको समझाने के लिए ही की है। अगर आप इसको पहले नेक को पेस्टिंग, फ्यूजिंग या बुकरम की मदद से पहले बनाएंगे तो ही ज्यादा सही रहेगा, इजी भी रहेगा। और अगर आप इस तरीके से कटिंग करने के फेसिंग दे रहे हैं, पाइपिंग निकाल रहे हैं, वो भी ठीक है। ये हमारी किमोनो ड्रेस, इस प्रकार से आपकी कटने के बाद जो लुकिंग है वो ये दिखाई दे रही है और कितनी अच्छी लग रही है। आप ये देखिए कि अगर आप कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे तो कितनी सुंदर लगेगी। ये यहां पर सबसे पहले हम नेक बनाएंगे, नेक बनाने के बाद ये तीरे की और स्लीव की सिलाई होगी, बॉटम टर्निंग होगी, बॉटम टर्निंग देने के बाद फिटिंग होगी, स्लिट की आप सिलाई करेंगे, स्लिट की सिलाई करने के बाद टर्निंग करेंगे। ये हमारी किमोनो ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हुई।